गुम्मा यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइस, मैं इस तरह से आपसे मिल रही हूँ क्योंकि मैं भी शॉर्ट वीडियो बना रही थी और मैं अभी टेरिस पे हूँ, उधर मेरी सानिया है, तो मिलती हूँ मैं आपसे। सोची चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट कर दी हूँ, देखती हूँ जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा, तो मिलती हूँ मैं आपसे। आज मैं कुछ इस तरह से हिजाब बांधी, ये देखो मेरा बटर ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज यही पहन के स्कूल गए थे और मैंने आज स्कूल में केक वगैरह सब कुछ काटा। रुको, अच्छे से बैठने दो। चॉकलेट्स वगैरह। अरे मेरे ब्लॉग में तो ये फैन की आवाज बहुत ही ज्यादा आने वाली है। गेस करो अब। गरम भी बहुत क्या कर रही मेरे को, ये सब छुटू ने करी है। हाँ, पूरा मेकअप बॉक्स मम्मा को देखो, वाट लगा के रखी। लुक एट माय मॉम, शी इज लुकिंग लाइक अ क्वीन। एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, है ना। तो चलिए गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये हमारे कलसी वगैरह यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये मैंने वॉश करके यहीं पे रखी हूँ। उसमें पानी भरने का है जो मैं सुबह भरूंगी, और अभी मैं पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी। चावल शाम को मैं बनाई थी और सब्जी बनाती हूँ, और ज़्यादा रोटी नहीं बनाने की है, थोड़ी रोटी बनाने की है, तो रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, और बनाने से पहले चाय पीऊँगी। और अभी बज रहे होंगे, टाइम आपको बताती हूँ, और अभी 8:30 बज रहे हैं। हम लोग करीब 10 या 10:30 बजे खाना वगैरह खाते हैं, तो बहुत जल्दी बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए लेट से ही बनाती हूँ। और तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करते, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलिए, हो सके तो ये वीडियो मैं अभी कंटिन्यू करूँ या फिर मैं इसे कल कंटिन्यू करूँगी, जो भी हो आपके साथ तो शेयर करूँगी ही। बस आप सब दिल खोल के हमें सपोर्ट करें अपनी इस बहन को, तो ऐसा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस, मेरे ध्यान में था ही नहीं मैं छोले बनाने जा रही हूँ, तो चलिए इसे बॉइल होने के लिए देते हैं, इसके साथ आलू भी ऐड करूँगी जो कि होता ही है। तो चलिए, तो यहाँ पे कुकर लगा चुकी हूँ और चलिए भी आटा गूंद लेती हूँ और इधर चाय बना लेती हूँ। सॉरी, ये देखिए। हाँ तो चलिए, छोले को हमें ज़्यादा नहीं 3 सीटी लगाना है, और सब इधर उधर जा चुके हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी चाय बना रही हूँ सिर्फ खुद के लिए। हमारे सौहर जी बाहर गए हैं, अय्याज बाहर गया है, और मैंने मीशो से रिंग लाइट ऑर्डर की हूँ, पता नहीं वो कब आएगा, शायद कल आए, देखती हूँ। तो 3 सीटी हो चुका है, मैं इसे बंद कर देती हूँ। और जैसे कि मैं अगर शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ तो मतलब अच्छा नहीं आता, क्लियर नहीं आता है, तो मैं रिंग लाइट ले रही हूँ, देखती हूँ उसमें से कैसा होता है, तो देखती हूँ अभी। और ये देखिए हमारा प्यारा सा किचन, हमारा बस एक किचन और एक हॉल है, बेडरूम वगैरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, साथ ही में मैं इसमें हींग ऐड करूँगी, थोड़ा इसे चटकने देते हैं। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, राइस। बहुत दिनों बाद मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं छोले बना रही हूँ, मैंने चना भिगो के रखी थी और मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने उसे भिगाई भी हूँ, तो मैं छोले और पराठे बनाऊंगी आज। चलिए इसे थोड़ा ब्राउन कलर होने देते हैं, तो थोड़े से मुझे गरम मसाले भी ऐड करना था जो मैं भूल गई, तो मैं इसे अभी ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और इसे मैं भून लेती हूँ।
गाइस यहाँ पे मैंने सारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, कांदा मसाला, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें एक घोल बना लूँगी, तो मैं इसे एक घोल बना दूँगी। जब मैं मसालों को ऐड करूँ तो मसाले जले ना, इसलिए चलिए अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ। बहुत दिन बाद आज मैं कुकिंग शेयर कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा। चलिए और इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भूनूंगी और टमाटर अच्छे से गल जाना चाहिए, तो ऐसा है। तो मैं इसमें थोड़े से तेज़पत्ता है तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और चलिए गैस के फ्लेम को बढ़ा देते हैं और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे, तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये रहे छोले और इसे मैंने इन दोनों को साथ में बॉईल की थी। और तो चलिए हमें इस तरह से कर लेना है, पूरा इसे मैस नहीं करना ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बने। इस तरह से मैं कर लूँगी। मैं इसके साथ रोटी बनाने वाली हूँ, रोटी खाने वाली हूँ, तो ग्रेवी थोड़ी थिक रहेगी तो अच्छा लगेगा खाने में, तो ऐसा है। तो चलिए मसाले भी हमारे भून चुके हैं, तो अब मैं इसमें छोले और आलू को ऐड कर दूंगी। किचन में लाइट बहुत कम है इसलिए मैं इसमें मोबाइल के लाइट से मैं रेसिपी बना रही हूँ, छोले बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें छोले ऐड करती हूँ। और साथ ही में मैं इसमें आलू भी ऐड करूँगी, रोटी के भी साथ काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अगर आपके पास धनिया की पत्ती हो तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। बस इसे 2-4 मिनट तक थोड़ा बॉयल आने देना है, पका हुआ तो ये है ही पहले से। और अपने फैमिली के अकॉर्डिंग मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो मुझे तो थोड़ी मैं इसमें ऐड करूँगी, तो बस रेसिपी बनके तैयार है। गाइस एंड में आप इसमें गरम मसाला और छोले मसाला ज़रूर ऐड करें, तो ठीक है। और आप देख सकते हो मेरी अरिबा यहाँ कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी हो बिट्टू? शुक्र को बैठो बैठो बैठो, अरिबा बैठो। और ये मेरी अरिबा की गाड़ी का है जो टूट गया है, उसको ले आइए नीचे। गाड़ी चलाओ अरिबा, अरिबा गाड़ी चलाओ। हेलो, गाड़ी तो पूरी है ही नहीं, कैसे चलाएगी? लग गया, कैसे लगा बिट्टू? अरे अरे अरे, बच्चे को लग गया। ये है रात का टाइम और अभी मैं टेरिस पे वो शॉर्ट्स बना रही थी, तो इधर बच्चे लोग भी हैं, हमारे शौहर जी भी है, और मैंने आज इस तरह से हिजाब बनाई हूँ, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो मैं बैठी हूँ घर के बाहर और मेरी सानू स्कूल जा चुकी है। अयाज का आज स्कूल नहीं है क्योंकि आज उसके स्कूल में मीटिंग है, तो वो अभी भी सो रहा है। और मेरी अरिबा अभी सोई है क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी सानू इतना सुबह स्कूल जाती है, तो वही मैं बाहर आके चाय भी पी और बाहर में बैठी हूँ। बाहर में इतनी अच्छी माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, तो अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में बाहर बैठना। और थोड़ी वॉक भी करी मैंने क्योंकि वॉक करना भी तो अच्छा होता है सेहत के लिए, तो ऐसा है। थोड़ा आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखते हैं हमारे घर के पास मॉर्निंग का व्यू सुबह सुबह, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये वीडियो एंड करना रह गया था, तो अरिबा का फुगा उसे फुगा बहुत पसंद है। हाँ तो गाइस ये वीडियो एंड करना रह गया था, तो चलिए ये वीडियो को एंड कर लेते हैं।
तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। गाइज ये देखिए बच्चा पार्टी लोग हुआ से पूरा टाइम पास कर रहा खेल रहा है ना। मेरी डॉल को देखिए अरिबा को, प्यारी सी डॉल, मम्मा की डॉल है ना अरिबा। अरिबा हाय बोलो, चलो हाय बोलो, हाय बोलो ऐसे, हाय अरिबा। चलो फुगा, फुगा इसको बहुत पसंद है गाइज, बहुत ही ज्यादा। अरिबा क्या पसंद है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, हंसते गिर गई। अल्लाह देखो, अरे बाबो फुगा तो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी हंसी आ रही है बच्चे को। अरे अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बा फुगा चाहिए? अरे बा क्या चाहिए आपको? फुफा फुगा चाहिए आपको? फुफा प्याली सी बेटू घड़ी पहनी है। अरे घड़ी दिखाओ, पिछले ब्लॉग में आपने दिखाया फिर ना, दिखा बेटा। हाँ, आवाज भी आ रही है ना अरिबा। चलो नहीं चलो ठीक है।